आगामी त्योहारों को लेकर बामौर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस SGOP डॉक्टर अरविंद सिंह ठाकुर तथा TI दिलीप सिंह यादव, तहसीलदार रतनी शर्मा, पटवारी सुनील शर्मा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अशोक बंसल सहित अनेक अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कमल सिंह राजे द्वारा मुख्य नगर परिषद अधिकारी अशोक बंसल का कोरोना महामारी को देखते हुए दुकानों पर सैनिटाइज कराने की ओर ध्यान आकर्षित किया गया तथा दुकानदार NS टेलर द्वारा तहसीलदार रत्नेश शर्मा से बामौर के बाजार की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में ध्यान आकर्षित कराया गया। उन्होंने बताया कि अभी बाजार 2 बजे तक खोलने की गाइडलाइन है, त्यौहार को देखते हुए 2 के स्थान पर 4 बजे कर दिया जाना चाहिए। बैठक में उपस्थित अधिकारियों द्वारा ईद की नमाज के लिए 5 आदमी एकत्रित होकर नमाज अदा करने तथा रक्षाबंधन के त्यौहार पर सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क लगाकर दुकानदारों से दुकानदारी करने को कहा गया। बैठक में तहसीलदार रतन शर्मा ने कहा कि आगामी गणेश चतुर्थी के त्यौहार पर नगर के लोग बाजार से POP की ना खरीदते हुए घर में मिट्टी से गणेश मूर्ति को बनाए और गमले में सजाकर उन्हें वहीं विसर्जित कर दें, जिससे नदी भी दूषित होने से बचेगी। बैठक में व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र सक्सेना, महासचिव शिवशंकर सिवरे, रविचंद शर्मा, मुरलीलाल गुप्ता, भोलू यादव, रघुनाथ गुर्जर, रफीक अहमद, कल्ला खान आदि लोग उपस्थित थे। बामौर से हमारे संवाददाता शिवशंकर सिवरे की खबर। त्यौहार को लेकर के आज बामौर परिसर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, तो मैं जानना चाहता हूँ उसमें क्या निर्णय लिया गया, क्या फोकस किया गया है। आगामी जो ईद उल जुहा का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है जी, और उसके बाद गणेश चतुर्थी है जी, तो इस सबको लेकर के बामौर नगर के जो गणमान्य नागरिक हैं, इसमें जो है व्यापारी वर्ग है, हमारे सारे अधिकारी हैं, नेता लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन सब से बैठ करके आपस में विचार विमर्श करके निर्णय लिया गया जी। और चूँकि जो शासन का ऊपर से निर्देश चल रहा है कि 5 से अधिक व्यक्ति 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक जगह इकट्ठे ना हो, तो अभी यही डिसाइड किया गया है कि जो नमाज अदा होनी है वो अपने घर पे ही की जाए जी, क्योंकि ईदगाह या मस्जिद में तो फिर भीड़ की स्थिति निर्मित होगी और वो कोरोना महामारी को देखते हुए उचित नहीं होगा। इसी तरीके से रक्षाबंधन के त्यौहार पर अभी मांग की हुई है लोगों ने कि मार्केट का जो समय है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए, या सैटरडे संडे, क्योंकि सोमवार को रक्षाबंधन है, उसके पहले सैटरडे संडे है जी, तो उस दिन खोला जाए। तो तहसीलदार साहब अभी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके उस बारे में आप लोगों सर आगे त्यौहार गणेश चतुर्थी आने वाला है जी, बामौर में जगह जगह झांकियों का आयोजन किया जाता है, क्या इस बार ऐसा कुछ होगा? वैसे तो ये हम जनता पर ही छोड़ेंगे, पर हम तो नहीं चाहेंगे कि इस तरह की स्थिति निर्मित हो, जब चूंकि सभी लोग लॉ अवॉइडिंग सिटीजन है, हर आदमी कानून का पालन करना चाहता है, और इस समय जो परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि भीड़ इकट्ठी ना हो, तो हमें उम्मीद है कि लोग स्वयं ही ऐसा नहीं करेंगे। अच्छी चीज़ ये है, अभी तहसीलदार साहब ने भी बताया कि जो प्लास्टर और पेरिस की मूर्तियाँ हैं वो इस त्यौहार में क्या, कभी भी वो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं, भी NGT ने भी उसको प्रतिबंधित कर रखा है, और हमें खुद भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी की मूर्ति लाइए, उसको अपने घर में जो है किसी बाल्टी में या टब में गलाइए, और उसको अपने बगीचे में या फिर जो भी अपना उस मिट्टी को आप वहीं के वहीं विसर्जित कर सकते हैं, तो वो हमेशा ही अच्छा है, और इस बार भी यही कोशिश रही। थैंक यू।